सो गाइज वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो और गोल्डी के साथ सेकंड पार्ट ले आया हूँ वन वर्सेस वन का। तो इस बार मैं गोल्डी को कोई मौका नहीं देने वाला, इस बार मैं जीत के ही रहूँगा। मेरे से वो बात सही नहीं गई और अबे मार भी दी थी तो धीरे धीरे जल्दी भी। चलो चलो कोई नहीं, पहला राउंड ही हारे। मुझसे वो बात सही नहीं गई कि गोल्डी ने मेरे को हराया कैसे वन वर्सेस वन में 7-0 से जब मैंने उसे हरा दिया था। तो मैं सेकंड पार्ट ले आया और मेरी उस आईडी में कस्टम नहीं था। अबे फिर से मार दिया इसने, पूरी बात भी कंप्लीट नहीं करने देता। मेरी उस आईडी में कस्टम नहीं था तो मैंने इस वाली आईडी से बता दिया। तो अब मैंने ले ली है M18 और इस गोल्डी को कोई मौका नहीं देना है। इस बार नहीं जीतने देंगे इसे, इस बार मैं फुल जोश के साथ हूँ, इस बार मैं हरा दूंगा। इस बार तो मस्त एकदम एसी वेसी चला के फुल पे पंखा रख के खेल रहा हूँ ये मैच। गोल्डी ने एक सेकंड जल्दी लगा दी बॉल वरना मरता। अब गोल्डी की पहले से तेज हो गई है बॉल लगाने की स्पीड, इस वजह से वो थोड़ा बच जाता है। तो गोल्डी रोटेशन लेके आ रहा है, यहाँ पे ग्लू वॉल लगा देता हूँ जल्दी से। अबे फिर भी कहाँ से आ गई और गोल्डी खत्म। इस वाली आईडी से भी कभी कभार आ ही जाता हूँ मैं। और गाइस ये भी मेरी आईडी है, आप लोग कहते हो कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी दूसरी आईडी है। तो इससे मेरा जब मन करता है तब मैं खेल लेता हूँ। वैसे तो मैंने ये इसमें कस्टम कलेक्ट करता हूँ मैं, इसे भी अपनी गिल्ड में डाल रखा है। तो हर सैटरडे मेरे को 2 कस्टम मिलते हैं। कुछ लोगों की तो कितनी सारी आइडिया होती है, 50-60 आइडिया होती हैं एक ही गिल्ड में। भाई साहब उनको मिलते होंगे भर के कस्टम। मैं तो 2 आईडी रख रखी है क्योंकि गिल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए भी है, वो भी आ सकते हैं मेरी गिल्ड में। मैं गिल्ड की आईडी भी बता दूंगा आपको अगर जिन जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। बोरी गोल्डी की गंदी गिरी है। तो गोल्डी ले रहा है बैक स्टेप, यही मौका है रश करने का। पाउडर लेने की भी सोच रहा हूँ जो गेमिंग पाउडर बेस्ट होता है, जिससे हाथ में पसीना भी नहीं, मतलब फिसल के नहीं हाथ स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे पसीना आता तो अजीब सा लगने लग जाता है, कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाता है। तो गोल्डी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, मेरे को तो वैसे ही पसीने की प्रॉब्लम है थोड़ी। और गोल्डी खाते दिन ठंडे ठंडे मस्त रहते हैं तो उसके लिए सही है, पर हम लड़ाई पर फोकस करते हैं। यार से कम एचपी को छोड़ा, मैं जोन में फंस जाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा मैं जोन में फंस गया। बहुत चालू है, गोल्डी डैमेज दे दिया, मैं जोन के पास खड़ा हुआ था। तो स्कोर हो चुका है 3-1, पर गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं ये मैच जीत ही जाऊंगा, मतलब कोशिश करेंगे। गोल्डी भी अब ब्लू के कवर में आ रहा है, उसे पता चल चुका है कि थॉम्सन मेरी कितनी डेंजरस है। अभी तो ब्लू से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो थोड़ा डैमेज आ गया उसे। जैसे ही मैं एम करता हूँ इसके बॉडी पे, वैसे ही ये ग्लू वॉल लगा देता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब हम अच्छे से खेलेंगे, ग्लू वॉल के एकदम कॉर्नर रहकर खेलेंगे, गोल्डी वॉल से नहीं लेना। तो ग्लू मैंने पैक कर लिया है बीच के जोन में, अब गोल्डी मरेगा। बहुत ही ओपी टेक्निक लगा के मैंने जोन में फंसा दिया है गोल्डी को। पिछली बार मुझे फंसा रहा था जोन में, इस बार मैंने इसे फंसा दिया। वो आ गया गोल्डी सामने से और ये बहुत ही मस्त था हेडशॉट 121 का। अरे कभी कभी पता नहीं ग्लू वॉल नहीं लगती है, कोई ग्लिच हो जाता है।
ये गोल्डी भागने की कोशिश कर रहा है, अभी देखने है भाग जाएगा। मेरे को लग ही रहा था ऐसी हरकतें करता है ये, भाग गया। कुछ नहीं होता गाइस, अब हम यहाँ से चलेंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा, उल्टी साइड से आएंगे हम। बोरा गोल्डी को अपने पीछे से वार करके बहुत ही ओपी तरीके से मार दिया है। गोल्डी भी सोच रहा होगा इसने रोटेशन ले लिया यार, मैं देख ही नहीं पाया। चलो गोल्डी को बहुत गंदा डैमेज। मैट्रिक मारने का सिंबल क्यों नहीं आ रहा? अच्छा इसमें तो मेरा वाला पेट है ही नहीं यार। वो ड्रेकी की आदत पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा काम करता है ड्रेकी, एकदम मज़ा आ जाता है ड्रेकी को लेके। ये गोल्डी बिना ग्लू वॉल के कवर में ही रह रहा है, मैं मार ही नहीं पा रहा। और गोल्डी को दो गोली पड़ी है मेरी टीम की। अबे यार ये एकदम एंड मोमेंट पे ग्लू लगा देता है। अब पैक कर दिया इसने। अब बहुत ओपी तरीके से हमने इसे मार दिया इस राउंड में भी। हमसे पंगा लेने का वीडियो बहुत ही खतरनाक अंजाम होता है। वाह क्या लाइन मार दी मैंने। ये पता नहीं अलग ही ग्लिच है, इसको लगता है कि ये मेरे को पूरी तरीके से देख पाता है, पीक कर रहा होता है, पर ये अपनी ग्लू वॉल के पीछे ही होता है मेरी साइड पे, और मेरे को मार भी पाता है। ये ग्लिच मेरे को पसंद नहीं है। बहुत ही ओपी तरीके से मर चुका है इस राउंड में, स्कोर हो चुका है 5-3। बहुत ही तगड़ा बदला ले रहे हैं हम। और ये आ गया गोल्डी, और एक एक ही शॉट पड़ा है, इसे बॉडी शॉट पड़ा है। जल्दी से रश करते हैं गोल्डी पे। ये गोल्डी ना मुझे डैमेज दे देते जैसे मैं इस पर रश करने जाता हूँ, फिर मेरे को पीछे बैठना पड़ता है थोड़ी देर। ऐसी गाइस मेरी छोटी मोटी एचपी जाती है तो मैं मेडकिट नहीं मारता, मेरी ईपी काम कर देती है। और जैसे मैंने आपको अभी आपने अभी देखा मेरी ग्लू वॉल ही नहीं लग रही थी। अबे लग गई टाइम पर लगाई गाइस एकदम, और गोल्डी आ गया था बस। गोल्डी फिर से बहुत ऊपरी तरीके से मरा है भाई मेरे हाथों, क्या ही तो मार रहा हूँ मैं गोल्डी को। 6-3 हो चुका है स्कोर, एकदम गोल्डी के मेरे हाफ पॉइंट्स हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा गोल्डी ये वाला राउंड भी जीत ही पाएगा जब मैंने उसे इतने बढ़िया तरीके से मारी दिया इतने सारे राउंड। बट गोल्डी कभी भी बाजी पलट सकता है, तो देखना पड़ेगा कि आज गोल्डी का लक काम करता है कि नहीं। अब तो ज़रा मैं खुल के खेल लेता हूँ, हाफ पॉइंट की लीड पे हूँ मैं, और रश कर दिया और गोल्डी फिर से भूल गया गाइस। गोल्डी ने तालियां हो जाए। गोल्डी ने भी काफ़ी अच्छा खेला है, 3 पॉइंट उसने भी कर ही लिए थे, पर मैं भूल गया कर चुका हूँ। गाइस कमेंट में बता देना मैं किसके साथ नेक्स्ट कस्टम करूँ, मैं उसी को रिप्लाई दे दूंगा।